तो सामने जो तुम्हें टैंक दिख रहा है वो मेरा ब्लैक वाटर टैंक है एंड देखते देखते चार महीने बीत चुके हैं पता ही नहीं चला कब चार महीने को को बीत जाएगा बट वो चीज नहीं हो पाया बिकॉज इसे इनफ लाइटिंग नहीं मिल रहा है बिकॉज ये यहां से लेके यहाँ तक एक फुट का गैप है इसकी वजह से यहाँ पे इसे इनफ लाइटिंग नहीं मिल रही है जिसकी वजह से इसके अंदर अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रहा है तो काफी कुछ चेंजेस करना है एक्चुअली इसका एक्वास्केप मेरे को चेंज करना है तो रिगार्डिंग दिस थिंग अगर तुम लोगों ने वो वाली वीडियो देखी होगी जब मैंने इसे सेटअप किया था तो उस टाइम पे मैंने इन सारे ड्रिफ्टवुड को नीचे में चांपा था रॉक्स के सहारे जिसकी वजह से इसका एक्वास्केप का डिजाइन बहुत ही चेंज हो गया एंड वो चीज मैंने किया था हड़बड़ी में बिकॉज मैं इसको कम्प्लीट करना चाहता था बहुत ही जल्दी ही जल्द एंड उसके वजह से ये कुछ चीजें मैसी हो गई बट उस टाइम ये ऑडी 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 वो नहीं ऑडी नहीं हार्डली सेटिस्फाइंग लग रहा था उस टाइम लेकिन एक्चुअली मैं इसके एक्वास्केप को चेंज करना बहुत पहले ही करना चाहता था बट टाइम नहीं मिल रहा था मेरे को लेकिन अब वो घड़ी आ चुकी है जब मैं इसमें कर सकता हूँ द वे फिशेज तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो ये वो एंजल है जो सबसे ज़्यादा बड़ी है बाकी सारे को ये शायद खाना नहीं खाने देता है इसकी वजह से वो सारे नहीं बड़े हैं यहाँ पर बहुत सारे स्नेल्स उग चुके हैं <laughs> मतलब पैदा हो चुके हैं यहाँ पे सारे मनी प्लांट्स की तुम लोग ग्रोथ देख सकते हो एंड यहाँ पे ये अच्छे से रूट दे रहा है तो इसके अकॉर्डिंग ही मैंने एक स्केप का डिज़ाइन चूज किया है फिलहाल तो ये वाले जो मनी प्लांट यहाँ पे साइड में देख सकते हो जो पूरे हरे हरे हो चुके हैं इसे मैंने रिसेंटली लेके आया अगर तुम लोगों ने वो वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैं ब्लॉग बना रहा था जाके मछलियाँ पकड़ रहा था

एंड पतले वाले सारे ड्रिफ्ट फूट को मैंने निकालने के बाद स्टोन मैंने सोचा की निकाल देते हैं बिकॉज अगर मैं सारे पानी ड्रेन करने के बाद सारे स्टोन को निकालू तो हो सकता है वहां पे चांस की अगर एक भी रॉक मेरे हाथ से छूटा तो वो सीधा जाके बॉटम पैनल को क्रैक कर देगा तो इसीलिए मैंने ये प्रिकॉशन लिया एंड इतनी पानी में सारे स्टोन और ड्रिप फूट जितने भी हार्ड स्किप थे सारे निकाल दिए एंड यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि पीछे वाले वाले स्नेरिया को मैं टच भी नहीं करूंगा बिकॉज अल्टीमेटली मेरे को यहाँ से कोई भी अंदर के सब को निकालना है नहीं एंड यहाँ पे मैं सारे फिशेस को यहाँ से निकाल देता बिकॉज चांस हो सकता है कि वो दब जाए अगर मैं कोई भी डेकोर करू तो एंड यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मैं सारे कांच को क्लीन करना स्टार्ट करता हूं यहाँ पे मैं एक नॉर्मल ब्लेड का इस्तेमाल कर रहा था एंड इस बार मानना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा गंदगी थिक थी इसलिए मेरे को काफी ज़्यादा मेहनत करना पड़ा यही होता है जब एक्वेरियम का मेंटेनेंस नहीं होता है एंड यहां पर तुम लोग देख सकते हो मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी भी निकाल रहा हूँ फिर स्क्रेब कर रहा हूं फिर पानी निकाल रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैं चाहता हूँ कि सारी गंदगी निकल जाए एंड ये सब होने के बाद यहाँ पे जो तुम लोग ड्रिफ्रूड के पीछे को देख सकते हो इसे ही मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ इसकेप में एंड ये ड्रिफ्टवुड के बारे में अगर तुम लोगों को देखना है तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ड्रिफ्टवुड का वीडियो मैंने पहले ही बनाया है एंड जहाँ तक बात रहा अभी का मैं इसे बैनियन ट्री एक्वास्केप लुक देना चाहता हूँ क्या बोलना चाहता हूँ मैं तुम लोग को अभी पता चल जाएगा सबसे पहले तो इसे मैं बांध दूंगा यहाँ पे ताकि ये हिले ना एंड ये सारे पीसेस को यहाँ पे जोड़ने के बाद मैं एक एक करके सारे स्टोन को यहाँ पे इसे जैसे फॉर्मेशन में मेरे को लगाना है मैं लगा देता हूँ एंड तुम लोग यहाँ पे कुछ समझ सकते हो ये कैसा लुक दे रहा है आधे पानी के अंदर रहेगा आधे ऊपर रहेगा जो की हमारे बहुत ही अच्छा यहाँ पे लुक देने वाला है एंड यहाँ पे मैं सारे प्लांट्स को वापस लगाना स्टार्ट कर देता हूँ क्रिप्टोकोरिन और एमेजोन स्वर्ड ऊपर में मैंने लगा दिए सारे एकदम इर्द गिर्द उस बैनियन ट्री कह सकते हो वैसे एंड जब मैं इस चीज में पानी भर रहा था मैंने एक चीज नोटिस करी यहाँ पे प्लांट्स की कमी लग रही है मतलब एक्चुअली मेरे को जितने डेंस प्लांट्स चाहिए थे उतने नहीं लग रहे है बट वो चीज़ को हम लोग बाद में देखते हैं सबसे पहले तो मैं सारे मनी प्लांट्स को अपने प्लेस पे लगा देता हूँ जो की ये एक्चुअली बैनियन ट्री के लीव्स जैसे दिखेंगे बिकॉज आधे पानी के अंदर बाहर तो अगर तुम लोगों ने बैनियन ट्री देखा होगा तो उसके इर्द गिर्द से सारे जड़ झूलते रहते हैं तो जो मनी प्लांट्स के रूट है वो झूलेंगे वैसे तो सेम लुक देगा अगर तुम लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ नहीं समझ पा रहे हो तो इसे देखो एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मैं जैसे एक्सपेक्ट कर रहा था लुक वैसा ही आ रहा है बट थोड़े से प्लांट्स थोड़े नहीं बहुत सारे प्लांट्स की कमी लग रही है नीचे में मैंने मोटर स्टार्ट किया और उसमें से सारे जितने भी कचड़ा था वो उसे फेंक दिया इसे साफ होने में थोड़ा टाइम लगेगा तो हम लोग थोड़ा देर वेट कर लेते हैं एंड पीछे में वेलिस एरिया को देख सकते हो मस्त लहरा रहा है मज़ा आ रहा है देख के बाकी सारी चीज़ों को सेटल करने के बाद यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो पानी थोड़ा सा क्लाउडी लग रहा है एंड कुछ देर बाद मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया एक ऐसी मछली जिसे मैं लेके आया पिछले वीडियो में एंड अगर तुम लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना जहां तक बात रहा इस फिश का तो इसे कहते हैं पैनचेक्स किली फिश एंड ये मेरे को बहुत सारी चाहिए फिलहाल तो अभी एक है बाद में देखते हैं कभी कुछ और हो पाता है तो बाकी सारी फिश को हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं और ये मेरी एंजल सबसे बड़ी थी तो इसे मैंने सोचा कि पहले इंट्रोड्यूस करते हैं एक अच्छा लुक देगा बट वो स्ट्रेस में थी अभी इसके बाद जो भी मेरे फर्स्ट फिशेस बची थी मॉली फिश नियोन टेट्रा वगैरह तो उसे भी मैंने इसके अंदर अपलोड कर दिया एंड कुछ घंटे वेट करने पड़े मेरे को पानी क्लियर होने का मतलब टोटली क्लियर होने का एंड नाउ तुम लोग इंजॉय करो इसके ब्यूटीफुल लुक को मैं मिलता हूँ बाई बाई